पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 55वीं पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी है और इस मौके पर उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में उनके सपनों को साकार किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति का कल्याण और विकास पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था और आज पीएम मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी की सरकार में उपाध्याय के सपनों को पूरा किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि लखनऊ के पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति का पार्क में प्रतिमा पर श्रद्धा अर्चना के बाद आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया गया और इस दौरान डिप्टी सीएम बृजेश पाठक भी वहां पर मौजूद रहे। आजाद भारत में समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के कल्याण की बात करने वाली एक आवाज अस्त हो गई, एक साजिश का शिकार हुई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जिन्होंने स्वतंत्र भारत में अंतोदय समाज के पायदान पर बैठे व्यक्ति के बारे में भारत के राजनीतिक चिंतन को उसका एजेंडे का हिस्सा बनाया था और उनका अंतोदय देश के अंदर एकात्म मानव दर्शन के रूप में जब क्या हुआ, ताकत को देखा। यह हम सबका सौभाग्य है कि पंडित जी ने जो सपना देखा था अंत्योदय का, अंत्योदय के उस सपने को राष्ट्रोदय बदलने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कि डबल इंजन सरकार पूरी तत्परता के साथ और पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हम सब ने इस बात को देखा है कि आजाद भारत में पहली बार बिना भेदभाव के समाज के अंतिम तबके पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए एक शौचालय की व्यवस्था होती है, बिना भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए एक आवास की व्यवस्था होती, बिना भेदभाव के हर व्यक्ति को ऊर्जा के लिए घर ईंधन के उज्ज्वला योजना के कनेक्शन उपलब्ध होते हैं, बिना भेदभाव के विद्युत का वितरण होता है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, 220 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोजेज फ्री में भारत के नागरिकों को सरकार उपलब्ध करवाने का कार्य करती है। यही तो सपना देखा था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने। इसी बात को लेकर के वह तत्कालीन सरकारों का ध्यान आकर्षित करते थे, उसको चिंता का और उन्होंने उस कालखंड में इस बात की घोषणा की थी भी हम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, जब हम सत्ता में आएंगे इसको वास्तविक स्वरूप प्रदान करेंगे। आप याद करिए, एक राजनीतिक ऋषि 45 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले एक चिंतन देता हो और उसको आकार लेने में 5 दशक लगते हों, लेकिन वह सपना साकार होता है, यही महापुरुषों का वास्तविक स्वरूप का है।